गुड मॉर्निंग। यहाँ पे तो इट्स एक्चुअली लिटिल इन द आफ्टरनून बट आई जस्ट लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग। सो हाय, आज मैं सोचा कि आपको मैं अपना दिस इज़ राइट आउटसाइड माई हाउस, दिस इज़ माई स्ट्रीट। इतना सोना सोना सा है, वीडियो में देख के लग रहा है। आज का वेदर भी काफ़ी मस्त है, सनी तो नहीं है but typical California weather, and the flowers are just flying around in the wind कितने cutely। मुझे पता नहीं if you can hear the wind but it's really nice। तो ये मेरे घर के पीछे वाला हिल है, तो मैं दिखाऊंगी नहीं मेरा घर कौन सा है क्योंकि you know privacy but वो मेरे घर के पीछे वाला हिल है। So this entire hill is behind my house, actually काफ़ी big and it's really pretty। तो ऐसा लगता है कि बस you can actually just climb and you can feel the weather getting colder and colder the higher you go। तो आज मैं काफ़ी errands कर रही हूँ काम के साथ भी, तो it's going to be quite a long day। but अभी मेरे पास एक quick डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उसमें मैं जा रही हूँ, तो सोचा कि आपको भी लेके चलूँ मेरे साथ। तो करो मेरे घर से हॉस्पिटल कितना दूर है। रॉन्ग, जो भी गेस किया आपने रॉन्ग। द हॉस्पिटल इज़ 2 minutes अवे फ्रॉम माई हाउस। वॉक करके 2 मिनट लगता है मुझे। तो आज से मैं बिल्कुल स्लोली वॉक कर रही हूँ आराम से आपको दिखाने के लिए। एंड हियर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे एक रैंडम सा डोर है विच यू कैन जस्ट ओपन। आई होप आई कैन ओपन इट, आई स्ट्रगल टू ओपन थिंग्स। ओह शिट, खुल गया, ऑसम। एंड दैट इज़ लिटरली माई हॉस्पिटल गाइज। ये ऐसा ऐसा लॉक है, पता नहीं किसने डाला है ये, बट दिस इज़ अगेन पब्लिक प्रॉपर्टी सडनली। एंड दिस इज़ माई नेबरहुड एट द बैक। कूल है। चलो मुझे अपना मास्क पहनना पड़ेगा हॉस्पिटल जाने के लिए। बट या हॉस्पिटल में भी अभी तक ऑल्दो यहाँ पे सब वैक्सीनेटेड हैं, protocols are still the same, everybody has to wear a mask and everybody has to get a temperature check and then you know meet your doctor and all of that। चलो for this part मैं अकेले जाऊंगी क्योंकि privacy and also शायद से allowed भी नहीं है, मैंने permission भी नहीं ली है। तो anyway I will see you guys after my appointment। तो मैं जा रही हूँ अंदर एंड चाओ, सी यू सून। So I'm heading back from my appointment. Everything is looking good. थोड़े से medications have been subscribed क्या होता है? That's what happens when you spend too much of time on YouTube. You start talking like you live on YouTube or anyway। मैं actually अपना prescription पढ़ रही हूँ और walk कर रही हूँ। Okay, not too bad. Everything is good. I'm excited. और today I learnt what the perfect blood pressure is क्योंकि I have it। तो 120/80 is the perfect blood pressure, जो मुझे पता नहीं था क्योंकि क्यों मालूम होगा। और टुडे मेरी नर्स ने बताया कि ओह योर ब्लड प्रेशर इज़ 120/70, इट्स गुड। आई वाज लाइक ओके, ऐसा नॉट लाइक आई नो कि गुड ब्लड प्रेशर बैड ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देन शी वाज लाइक ओह 120/80 इज़ परफेक्ट, सो यू आर डूइंग प्रीटी गुड, इट्स टेक्स्ट बुक गुड। सो वाओ, नाउ आई नो this is the thing right, matlab something as random like this can cheer anybody up and make you feel this sense of oh I'm doing pretty okay in life। It's so strange how these small things play a role but yeah the weather is looking। aapko lag raha hoga why I'm so obsessed with the weather but I really am, especially living in California। The weather is It's always so beautiful। पता है अभी हम बात कर रहे थे एक घंटे पहले और इट वाज सो ग्लूमी। अभी देखो धूप बाहर आ रही है। सो यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स व्हाई आई लव द वेदर सो मच। चलो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल बस घर से 2 मिनट दूर है, तो आई कैन जस्ट वॉक इन एंड वॉक आउट। आज मैं आपको अपना नेबर होंगी शाम को। अभी आई एम हेडिंग बैक होम। मेरे पास चाबी है बट आई लाइक इट व्हेन पीपल ओपन द डोर फॉर मी। हाय वैश, तो अगर आपने मेरा सेकंड ब्लॉग देखा है तो आपने देखा है कि मेरा डेस्क कहाँ है और मेरा सेटअप कैसा है। तो ओवर द वीकेंड हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं सो दैट द वर्किंग एरिया कैन अकोमोडेट बोथ ऑफ अस एंड बोथ ऑफ अस कैन हैव फन इन द नेचुरल लाइट। तो लेट मी शो इट यू गाइस, इट्स वेरी क्यूट। चेक इट आउट। हमने दोनों डेस्क ऊपर ला दिए। एक्चुअली वी बॉट दीज 2 डेस्क्स सो दैट वी कैन क्रिएट 1 बिग डेस्क। एंड ये लेफ्ट वाला स्टेशन द क्यूट स्टेशन ऑब्वियसली मेरा है, राइट वाला विशाल का है। एंड बिल्कुल नीचे नोरी का क्रेट है और ये है नोरी। हेलो, आपने क्रेट तो देखा ही है नोरी का, जो मैंने सेकेंड या फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, है ना नोरी। एंड या ये कितना अच्छा है क्योंकि नेचुरल लाइट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ अस आर एंजॉइंग दिस एरिया। चलो आई एम गोइंग टू गेट बैक टू वर्क एंड गेटिंग बैक टू एंटरटेनिंग नोरी। फिर से मिलते हैं। नोरी गो होम, गो होम। वो देखो कितनी क्यूटली जा रही है अपने ग्रेट के अंदर। There she is. Guys, तो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि मेरे घर के पीछे एक हिल है, तो अभी मैं उस हिल के ऊपर हूँ और यहाँ पे व्यू इज़ लाइक जस्ट ब्यूटिफुल। इट्स बहुत ही गॉर्जियस। और नोरी एंड आई अभी वॉक करके ऊपर है थोड़ी देर पहले, अभी हम नीचे जाने वाले हैं एंड आई विल शो यू आवर वॉक। बस ये देखो व्यू, ये हिल के ऊपर से। बस थोड़ी देर पहले मैं इस हिल के नीचे से आपको दिखा रही थी कि यह हिल मेरे घर के पीछे है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट हिल। आप यहाँ से स्ट्रीट्स भी देख सकते हो। वाओ, सो ब्यूटीफुल राइट। दिस इज़ व्हाई आई लव वेयर आई लिव। अब वी गोना वॉक डाउन दिस ब्यूटीफुल हिल। तकरीबन 15 मिनट का वॉक है नीचे एंड इट शुड, इफ़ वी गो स्लोली देन इट विल टेक अस 15-20 मिनट्स। नहीं तो अगर हम काफ़ी जल्दी जाएंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। तो द कूल थिंग इज़ यू कैन आइदर टेक द रोड एंड गो डाउन। द अदर थिंग इज़ इस हिल के अंदर ही अंदर छोटे छोटे सीक्रेट पाथ्स हैं विच आर सो डैम कूल। किसी और दिन दिखाऊंगी मैं आपको। आज आई एम गोइंग टू शो यू लिजिट रास्ता विच इज़ दिस। So Nori and I are going to आराम से enjoy this walk, enjoy the beautiful weather and the views. ये देखो हमने इतना तो walk कर लिया है and long way to go and it's going to get very beautiful. मैं सब कुछ share करूँगी आपके साथ but look at this, it's so gorgeous. ऐसे खड़े होके दिखाना पड़ेगा आपको। You can see the entire valley from here and the other hills on the other side. Oof, too pretty. है ना Nori? Hello. नोरी इज़ टू बिज़ी गाइस, बहुत ही बिज़ी है। जब आप डॉग के साथ कहीं भी वॉक करो ना, रास्ता जितना भी लंबा या छोटा हो, एक डॉग के साथ तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स ऐड कर दो बिकॉज दे आर सो क्यूरियस एंड दे वांट टू स्मेल एवरीथिंग। एंड नोरी तो मतलब महा क्यूरियस है हर एक चीज़ के लिए। नोरी व्हाट इज़ सो इंटरेस्टिंग बेबी? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है यहाँ पे गाइस। So this is the rest, the next leg of our journey. Rest तो नहीं बोलूँगी। यहाँ पे वो क्लासिक सिचुएशन हुआ है where there's a fork in the road और हम लेफ़्ट जाएंगे, राइट पे ये है और अभी वैली और भी नज़दीक से दिखाई दे रही है। एंड आप बहुत क्लियरली वो दूसरा हिल भी देख सकते हो। सो प्रिटी ना। और वहाँ पे देखो उस साइड के हिल्स पे एक अच्छा सा फॉग है सेटल डाउन। एंड लुक एट दिस, सुपर क्लियर। ऐसे लगता भी नहीं है इट्स इन द सेम एरिया, बट या दैट इज़ द मैजिक ऑफ कैलिफोर्निया। थोड़ी और एक्सप्लोरेशन हो रही है यहाँ पे नोरी के साथ। एंड वी गोना कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ आवर जर्नी टू द बॉटम ऑफ द हिल। चलो लेट्स गो। अब नोरी है ना थोड़ा सा चीट करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग आगे एंड टेकिंग अ यू टर्न, हम इस स्टेयरकेस से नीचे जाएंगे। But the staircase is really fun, and Nori also likes it a lot. I'm just guessing she likes it. मुझे पता नहीं। Nori, चलो let's go, baby. Wow, so beautiful. Best part है कि I look at this view all the time, but every time I fall in love with it even more. And that's what I love about this. Now we're going to cross the road. Nori, are you ready? Let's go. Nori को सिखाया है रोड कैसे क्रॉस करना है, उसको धीरे धीरे क्रॉस करना है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि वो करती भी अच्छी तरह। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है गाइज, काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है इन डॉग्स के साथ, करनी पड़ती है। मतलब मेरी फर्स्ट वीडियो या सेकेंड ब्लॉग पे, फर्स्ट या सेकेंड ब्लॉग पे विशाल ने कमेंट रखा है ये बोल के कि निष्का सेड शी ओनली नोज 2 लैंग्वेजेस, आई थॉट शी मेंट इंग्लिश एंड सार्केज्म। तो बेसिकली अब मैं क्या बोलने वाली हूँ कि मुझे 3 लैंग्वेज मालूम है, इंग्लिश, हिंदी और सार्केज्म। तो या आई एम टेकिंग हिज कमेंट एंड मेकिंग इट इनटू अ डायलॉग। करना पड़ता है ना जा। चलो वी गोना कीप कंटिन्यू गोइंग डाउन दिस पाथ। Nori, let's go, baby. Just few more minutes until we are home. Oh, look at these beautiful flowers, guys. Just beautiful. मैं एक दिन पता है अपने नेबरहुड का फ्लावर टूर करती हूँ, तब तो मज़ा आएगा। Now look at this. I love how this opens up. कोई क्रॉस कर रहा था तो हम वेट कर रहे हैं। चलो let's go, Nori. यहाँ पे आके आई बिकम वेरी वेल मैनर्ड स्टेट्स में आके। इसके पहले आई थिंक आई वाज काफ़ी राउडी। ऐसा तो मुझे लगता है, पता नहीं। अभी चेक इट आउट, वी हैव रीच द एब्सोल्यूट बेस ऑलमोस्ट, एंड दिस इज़ हाउ मच वी हैव वॉक डाउन टुगेदर। जहाँ पे सन है ना, हम वहाँ पे थे। कैन यू बिलीव इट? वाओ, ब्यूटीफुल। नोरी और मैं फाइनली बेस ऑफ द हिल पहुँच गए हैं जहाँ पे हम रहते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली मैंने आपको सुबह क्या दिखा। तो हाँ, तो ये जनरल एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और वो हिल है जहाँ पे हम अभी वॉक करके नीचे आए। और ये है नोरी बीइंग वेरी क्यूट। अभी हम घर जाएंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे और नोरी खाना खाएगी। एंड या ओके, तो नोरी एंड आई आर फाइनली बैक होम। एंड हमने डिनर भी खा लिया एंड नोरी इज़ एट डिनर टू। एंड इट इज़ 8 o'clock एंड अभी भी कितना ब्राइट है बाहर। ऐसा लगता है कि दिन भी ख़त्म ही नहीं होने वाला। बट इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, एंड आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू एंड दिस व्लॉग विद, जो मैंने सोचा था व्हाइल गोइंग ऑन माई वॉक। क्योंकि इट इज़ समथिंग दैट आई लर्न टुडे एंड आई थॉट आई विल शेयर इट। तो मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ओपरा विनफ्री, अगर आप ओपरा विनफ्री को नहीं जानते हो तो प्लीज़ गूगल करो, इट विल चेंज योर लाइफ। एंड आई एम अ बिग ओपरा विनफ्री फ़ैन। वो सबको इंटरव्यू करती, शी इज़ लाइक द गुरु ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड टॉकिंग टू पीपल एंड लाइक शी इज़ जस्ट वाओ। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आज जिसमें द ऑथर ऑफ द आर्टिकल ने बोला है कि ओपरा विनफ्री ने 8 years ago एक इंटरव्यू किया था एंड उन्होंने ये बताया कि जो भी किसी को भी वो इंटरव्यू करती है लाइक बिलियनेयर्स, सेलिब्रिटीज़, अब्यूज़ विक्टिम्स, यू नो, एनीबडी एंड एवरीबडी, नो मैटर हू शी इंटरव्यूज़, हर एक इंसान एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ओपरा को एक क्वेश्चन पूछता है एंड इट इज़ द सेम क्वेश्चन. It is a 3-word question and that question is, was that okay? So no matter who it is, no matter who she talks to, at the end of the interview they always ask her the same question, ki was that okay? And what that proves to me and shows to me is that no matter what, no matter who we are, like इट डजंट मैटर आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो एंड आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, आपकी एस्पिरेशंस क्या है, एम्बिशंस क्या है, कि हाउ सक्सेसफुल यू आर इन लाइफ और नॉट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टैंडर्ड्स. नो मैटर हु एंड व्हाट यू आर, राइट, इन द एंड एवरीबडी जस्ट वांट्स टू नो कि वो कितना वैल्यू ला रहे हैं, दैट no matter whatever they are saying has value. And I just thought that that's so wonderful to learn, right? And it is such an important lesson to learn that amongst your own friends, your co-workers or people who work for you, if you have a company in which you hire people and employ them, that everybody just wants to know that they are valued, right? Because how often have you done something where at the end of it आपने सोचा है कि was I okay or was that okay? Like that happens to me on a daily basis. Like even at the end of a vlog or at the end of a podcast episode जब मैं record कर रही होती हूँ और even if I'm writing an article or styling a client, it's important for me to also know at the end that was that okay? Was I okay? Was I good? Did I do something to the best of my capacity? So yeah, so I thought that was a good takeaway for myself and I thought कि मैं आपके साथ भी share करूँगी ये and शायद से आप भी अपनी life में कहीं पे इसको add कर सकते हैं. On that note, आज का vlog खत्म and I'm going to do a little more calm and फिर chill करेंगे. So thank you for watching. Subscribe करिएगा, definitely comment करिएगा. I would love to get to know you and I will see you soon in the next vlog.